WWE चैंपियनशिप के 5 ऐसे रहस्य हैं जो आज तक कभी सॉल्व नहीं हो पाए। तो दोस्तों आपको पता है WWE चैंपियनशिप सबसे बड़ी चैंपियनशिप है प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में। अगर एक चैंपियन WWE चैंपियनशिप अपनी सारी जिंदगी में नहीं जीत सकता तो वो एक कामयाब रेसलर नहीं बनेगा। अगर आप एक प्रोफेशनल रेसलर हैं और आपने WWE चैंपियनशिप नहीं जीती है देन ऑफ कोर्स आप ये नहीं कह सकते कि मैं कामयाब हूँ। जो भी रेसलर एक बार WWE चैंपियनशिप जीत लेता है वो अपनी प्रोफेशनल रेसलिंग जिंदगी का एक बहुत बड़ा स्टेप पार कर लेता है, बिकॉज WWE सबसे बड़ी कंपनी है और उसका मेन टाइटल ऑफ कोर्स सबसे बड़ा टाइटल है। पर दोस्तों 5 WWE चैंपियनशिप के ऐसे सीक्रेट जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए हम उन्हीं के बारे में बात करें। तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूं वर्मान, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है 30 डेज डिफेंडिंग रूल। अगर आपको नहीं पता तो WWE की एक बहुत बड़ी रूल बुक है, मुझे हर एक रूल पता है, तो अगर आप चाहो तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूं कि क्या होती है रूल बुक और क्या क्या रूल बुक है उसके अंदर। 30 डेज डिफेंडिंग रूल एक रूल है जो की सिर्फ और सिर्फ WWE चैंपियनशिप ने सबसे पहले तोड़ा था। ये एक अकेली चैंपियनशिप है जिसने 30 डेज से ओवर डिफेंड नहीं हुई थी सबसे पहली बार, चाहे ब्रॉक लेसनर ने किया हो या किसी भी रेसलर ने, बट बहुत बार हुआ है। ये आई थिंक पहली बार है कि WWE अपने रूल से बाहर गई है। तो क्यों WWE ने ऐसा किया अपने रूल से बाहर जाकर, ये आज तक का सबसे बड़ा रहस्य है। नंबर 4 पर है कौन है लायक WWE चैंपियनशिप जीतने के लिए। अगर आपको नहीं पता तो बैक स्टेज एक चीज होती है जिसके अंदर कंफर्म होता है कि ये बंदा WWE चैंपियनशिप जीतने के लायक है या फिर नहीं, पर ये आज तक कभी नहीं किसी को पता चला कि कैसे कोई भी रेसलर एलिजिबल होता है चैंपियनशिप जीतने के लिए या फिर नहीं जीतने के लिए। ये कुछ बात है जो उनसे हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि WWE चैंपियनशिप किसके पास जाती है और उसके अंदर क्या ऐसा खास है कि वो WWE चैंपियन बना। नंबर 3 पर है चैंपियनशिप एडवांटेज। अगर 2 रेसलर्स सच में WWE रिंग में लड़ रहे हैं पर ऐसा क्यों होता है कि चैंपियनशिप एडवांटेज मिलती है। सारी चैंपियनशिप्स में ही चैंपियनशिप एडवांटेज मिलती है पर WWE चैंपियनशिप सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलती है, यहां तक कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप से भी ज्यादा। तो ऐसा क्यों है, अगर वो लड़ रहे हैं असली तो क्यों ज्यादा प्रेफरेंस या फिर ज्यादा मैच में राज WWE चैंपियन का ही होता है। नंबर 2 पर है टाइटल चूज इट्स विनर। कई साल पहले जब WWE का मेन टाइटल तब तो WWF चैंपियनशिप थी ये, जब ये लाई गई थी तो इंट्रोड्यूस करने वाले ने कहा था ये चैंपियनशिप एक अकेली चैंपियनशिप होगी जो कि अपना विनर खुद चुनेगी। हालांकि WWE ने अब तक उसके बारे में दोबारा से कभी जिक्र किया नहीं, पर क्या ये सच में सही बात है कि वो टाइटल खुद अपने विनर को चुनती है, क्या वही एक टाइटल है जो कि खुद चुनता है कौन जीतेगा उसे। तो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, उस सीक्रेट के साथ एक और चीज खुलती है जो कि नंबर 1 पर है इल्यूमिनाटी। अगर आपको इल्यूमिनाटी का नहीं पता इल्यूमिनाटी क्या है, इल्यूमिनाटी सिंपली इंडिया में इलम के नाम से जाना जाता है, काला इलम, काला जादू, ये सब चीजें होती हैं। ये अमेरिका में एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है जो कि चलता है और माना जाता है कि WWE भी उसी के अंडर है। पर जो अगर आपको मैं सही सही बात बताऊं तो यार खुद आपको लगता है कि WWE इल्यूमिनाटी है, नहीं WWE बिल्कुल भी इल्यूमिनाटी नहीं है, WWE जस्ट इल्यूमिनाटी को प्रमोट करती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और WWE चैंपियनशिप पर सबसे ज्यादा सवाल यही उठाए जाते हैं क्या वो इल्यूमिनाटी है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो WWE चैंपियनशिप में प्रूफ की हैं कि वो एक टाइटल ही नहीं बल्कि पूरी WWE इल्यूमिनाटी के अंडर है। ये सबके लिए तो रहस्य ही है पर हमें पता है यार WWE एक इल्यूमिनाटी प्रोपेगेंडा के अंडर नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। तो यार यहाँ तक वीडियो देख ही लिया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हूँ हरमन।